आज हम जिसके बारे में बात करेंगे, किसी ने उनको क्लियोपेट्रा कहा पाकिस्तान, किसी ने कहा आप जूलिया रॉबर्ट्स, किसी ने कहा आप इंजीनियर हैं, किसी ने कहा डॉक्टर हैं, किसी ने कहा साइंटिस्ट हैं। पाकिस्तानी शोबिज का जॉनीसन कह सकते हैं, क्योंकि जॉनीसन यहाँ आ नहीं सकते, अलाउड नहीं है। इसलिए जिनको आज हमने बुलाया है वो है क्वीन ऑफ मॉर्निंग शोज, तो तालियां बजाइए मुस्तनसर हुसैन, तंसर हुसैन, नादिया खान। नादिया आदाब, बैठिए। काफी बदतमीज है। बहुत, हाँ बहुत, जितना सुना था उससे ज्यादा पाया। हमने क्यों सुना था मेरे बारे में? ये इंट्रो कैसा था? मेरे इतने अच्छे अच्छे इंट्रोज होते हैं, तुमने क्या बोला? हाँ, मुस्तफा कमाल का इंट्रो देखती हूँ। अच्छा, वो इससे भी बुरा था? ओह, जरूरत से ज्यादा प्यारी लग रही है। हाँ, बस ये वाहिद कॉमेंट है जो मैं अच्छा दूंगा पूरे। अच्छा, पहले शुरू में ऐसा करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्री होगा। अच्छा नादिया, पहला सवाल, आप क्वीन हैं मॉर्निंग शोज की। अच्छा, मुझे बताया गया, मुझे लिख कर भी दिया गया, कहा गया है और बोल्ड करके दिया है, ये बोलना क्वीन क्वीन क्वीन। मैं वैसे यूजुअली ऐसे सवाल नहीं पूछता, मगर माइंड मत कीजिएगा। अच्छा, एंड हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? आई हैव 3 किड्स। माशाल्लाह, क्या क्या हैं, क्या सेटअप है उनका, सीरियल नंबर वाइज? माय डॉटर इज 17, माय सन इज 11, और मेरा एक बेटा इज 1। अच्छा, तो ये सब लोग जो हैं, तीन लोग, ये इनको है, ये दे लुक अप टू के भाई मैंने अपनी मामा जैसा सेलिब्रिटी या टीवी पे आना है या कुछ डॉक्टर इंजीनियर बनना है उनको? ये नहीं, मैंने उससे मीडिया से बहुत दूर रखा हुआ है, इसलिए कि भाई फिर पढ़ते नहीं बच्चे। आपने नहीं पढ़ा? मैंने बहुत अच्छा पढ़ा ना, मेरी तरह मेरी तरह गलत बच्चे हैं। आजकल के बच्चे एक चीज पे काम कर लें, फोकस कर लें, बहुत बड़ी बात है। मेरा बेटा एथलीट भी है, तो उसको अगर इस चीज पे लग गया ना, मुझे पता है वो लड़का खासा पे, बेटा मेरा बदमाश है, बदमाश मां मामी से लेता। तो उसमें ये कि मैं अगर उसको लगा दूंगी ना उस पे, तो बच्चा एक बार बन जाए कुछ लाइफ में, जो कि मैं चाहती भी हूँ, आईटी स्पेशलिस्ट बने, ताकि वो मतलब अकाउंट वकाउंट हैक करे, दूध निदा यासिर का प्रभाव कर दे, बर्बाद कर दे। अच्छा, इसी से एक सवाल आया मुझे। नहीं, आईटी उसको उस पर डाला हुआ है, बीटी जो है बिजनेस की साइड पे, या लॉ, दोनों में से एक। किन्नू आर्टिस्ट है मेरा, नीचे छोटे वाला, छोटे वाला। अभी अभी से पता चल गया आपको, वो रोता होगा, एक्टिंग करता होगा, हमें भी पता, हमारे बच्चे भी सारे आर्टिस्ट लगते हैं। नहीं, he's very smart। क्या मतलब, गाड़ी खोल के पूरी बना ले उससे? मुझे बताओ कौन, एक साल का बच्चा, उसको मैंने स्लाइड पे डाला, स्लाइड पे नीचे आया, और उसके बाद उसने ऐसे देखा स्लाइड को, उसने पत्थर उठाया, स्लाइड पे रखा, वाह, पत्थर नीचे आया, उसने दूसरा उसे छोटा पत्थर उठाया, वो स्लाइड पे रखा, करता रहा आधा घंटा, उसने लिखा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यार ये बच्चे जीनियस होते हैं, ऐसे बच्चे कहाँ मिल रहे हैं जो अकेले खेलते हों देर तक? नहीं, वो ये वही है, बाप के सर पे ना सवार हैं, उनको सुकून नहीं। अच्छा, जो शाइस्ता है, शाइस्ता लोधी, जो साहिल लोधी की भाई बहन है, वो आपको कंपटीशन देती है? बहुत बदतमीज आदमी हूँ भाई, ऐसा नहीं हो ना पाकिस्तान में? नहीं नहीं नहीं, इसमें बदतमीजी की बात नहीं है, शी इज सो टैलेंटेड। अच्छा। और बहुत अप्स एंड डाउन्स उन्होंने देखे हैं मीडिया में, अप्स एंड डाउन्स, पहले फर्स्ट स्टोरी भी रहती थी, हर तरह की शी स्ट्रगल्ड, यू नो, बड़ा आसान नहीं है इतने अरसा काम करना, शोज को करना, फैमिली देखना। दोस्ती है आपकी शाइस्ता? कभी फोन करती, कैसी हो शाइस्ता? हाँ, कभी फोन रखती है, वो पता नहीं। हम लोग एक्चुअली बड़ी मस्ती बातें करते हैं जब हम साथ होते हैं, जब शो निदा के कुछ करते हैं, निदा के साथ, मेरे सब फ्रेंड्स हैं। जब शुरू में जिस चैनल में वो गई, और वहाँ शुरू में कुछ अरसे वो उसको चेक कर रहे थे डिफरेंट होस्ट को, तो मैंने उसको फोन करके कहा कि यू शुड बी सिलेक्टेड एज द मॉर्निंग शो होस्ट, क्योंकि तुम नेचर में बहुत अच्छे हो, यू आर गुड पर्सन, यू आर गुड ह्यूमन, ये चीज ना शो में निकल के आती है। कोई भी ना, मैं एक बात कैसे, गंदा लफ्ज है कोई, इसीलिए तो शो बना है, थोड़ा सा कमीना इंसान ना, अच्छा मॉर्निंग शो हो, कमीना को गंदा लग से, मेरे लिए बहुत है। नहीं, मेरा दिल चाह रहा है पता है क्यों, कि मैं इतने से टीवी कर रही हूँ, और इतना रिस्ट्रिक्टेड बोलते हैं ना, मैं तो कहता मैं एक तो गाली दूँ गंदी वाले, एक एक चल सकता है थोड़ी सी, बस ये मैक्स टाइम है, मोदी बोलते हैं कुल्ली करो। अच्छा, तो निदा यासिर की क्या रेटिंग देती है आउट ऑफ 10? हाउ हाउ गुड मॉर्निंग शो उसकी सिर्फ बात कर, अभी तो आई एम गिविंग यू टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। व्हाट टेस्ट? आई डोंट लाइक दिस टेस्ट, चेंज द मेडिसिन, चेंज द मेडिसिन। अगर तो रेटिंग तो देना, कुछ ऐसा रेटिंग देने आप, यार टॉप है रेटिंग, तो पॉलिटिकली करेक्ट बातें कर रही हैं आप, इतना इतना अरसा, कोई साल, इतना साल निकाल ले, कोई शो करे, शो टॉप पे हो, तो क्या बात है, रेटिंग तो टॉप है। आपको लगता है कि जो शादियां कराई जाती हैं,
दुपट्टे रंगवाए जाते जी जी जब आप व्हेन यू आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम मॉर्निंग शोज आप कहेंगे मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि दुपट्टे नहीं रंग सकती। ये भी था, ये भी नहीं कर सकती, मैं शादियां भी नहीं कराऊंगी जिनकी ऑलरेडी हुई हुई है, वो वैसी मजलूम है, फिर से क्यों करा दूं? मैं वैसी शादी से छिड़ती हूँ। हाँ, शादी के फंक्शंस चीजें आपने, मैं ये नहीं, मैं नहीं करूंगी, हमारे यहाँ नहीं है बिल्कुल मेरा। लेकिन फिर आप वापस आए, तीसरे दिन आपके शो में दुपट्टे रंगे जा रहे थे, ये मैंने सच नहीं, दुपट्टे नहीं रंगे गए थे, सिर्फ एक दिन एक कपल जिसकी शादी हुई थी उसको खाने पे बुलाया था, शादी मैंने फिर भी ना कराई, तौबा, तलाकें कराया, वो भी नहीं। नाजी सब कैसे आ गए आपके पास? माशाल्लाह बच्चे हैं प्यारे, किनू, नीकू, किन्नू, किन्नू, किन्नू है, लॉयर है, और वो आईटी वाला, आईटी वाला सब हैं, हैकर, और ही इज अ बास्केटबॉल प्लेयर बाय द वे। किन्नू तो बहुत छोटा है, खुद बास्केटबॉल जीता, अजान, 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 क्योंकि वो तपेगा, वो सारी वीडियोस देखता है, सारे आप लोगों को फॉलो करता है, मेरा बेटा अजान को यूट्यूबर्स का इतना पता है, वो मुझे पता रहा होता है, मामा आपको ये नहीं पता ये कौन है, वो कौन है, इज अ वेरी प्राउड पाकिस्तानी, और वो बाहर के कंटेंट ज्यादा पाकिस्तानी जितने यूट्यूबर्स हैं उनको इतना फॉलो करता है कि हद नहीं, तो इसलिए मैं इसका नाम नहीं लिया ना, वो तपेगा अजान दो तीन बार बोलता हूँ अजान अजान अजान। ठीक, ये क्यूट बच्चे हैं, लॉयर भी बन रही है इंशाल्लाह, बिजनेस में जाएगी, वो कुछ अजान करेगा, किनू भी कुछ ना कुछ करेगा, लाइफ में ऑलमोस्ट पैसा भी कमा लिया, मशहूर भी है, और क्या चाहिए? मुझे कराची में प्लॉट चाहिए। तो आपने कभी फौज में जाने का ट्राई किया? फौजी बैकग्राउंड तो है ना, माय फादर इज अ रिटायर्ड कर्नल, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो अंकल के पास एक आध। अब्बा ने मुझे कल परसों बताया मुझे डिप्रेशन होगी, मुझे रात को नींद नहीं आई, क्योंकि मैं आजकल वही जब प्राइसेस देखती हूँ तो मेरे दिल को कुछ होता है, कराची में है 7 करोड़ की जमीन, 8 करोड़ की जमीन, ये कौन से फिगर, कब्रें इतनी महंगी। और अब्बा ने मुझे परसों बताया, इतना मेरा दिल जलाया, बेटा फेज 6 में मेरे ना 1000 गज का प्लॉट है। मैंने कहा अब्बा फिर कहाँ गया? मैंने बेच दिया 48,000 में, 1947 में भेज दिया, ऐसा ही था ना। अरे भाई मैं अपना हैशटैग करो, अंकल को जरा, अंकल का देखो ये कौन से प्लॉट है जो 47,000 के बिक रहे हैं, ये उस तरह की 70s की बात है, 60-70, वरना यहाँ पर भी लैंड क्रूजर है 3-3 करोड़ की है, मगर कुछ लोग 30 लाख में भी ले रहे हैं। लेकिन मुझे पता है ना, मेरा बड़ा, मेरा दिल, मैं बात नहीं की अब्बा से, मैं आई डोंट टॉक टू यू, आपने क्या किया मेरा नहीं सोचा अभी। अच्छा, कभी पड़ोसी मुल्क जो है हमारा, वहां से कुछ खबर आई? लेकिन वैसे किसी ने, महेश भट्ट ने कह दिया भाई आज मर्डर 3 बन रही है, किसी और फिल्म के लिए कहा था, लेकिन महेश भट्ट ने कहा था, लेकिन सबसे फनी ऑफर थी बप्पी लहरी की, उन्होंने क्या कहा, मेरा सोना खरीद लो, क्या कहा था? नहीं वो वो आए पता नहीं कहाँ से आ गए मॉर्निंग शो पे, उनको किसी कोई लेके आया, घूम रहे थे तो पकड़ के लिया, बप्पी इधर आओ। वो जिस बंदी से मिलते हैं ना उसको कहते हैं एक्सक्यूज मी, मैं आपका पता है आई एम मेकिंग फिल्म। अच्छा, यू वांट टू बी इन माय फिल्म, आई लाइक यू, यू बी इन माय फिल्म, वो उनका ये स्टाइल है, फिल्म बना नहीं रहे। अच्छा, वो लड़कियां कुछ नॉन पाकिस्तानी बड़ी खुश वहां की है, रियली है बप्पी, बप्पी टेक माय बप्पी, एक साथ को कहते थे ना, और मुझे भी पता है अच्छी तरह कि यार ये कौन सा प्रोड्यूसर है भाई, ये जिस काम के लिए आए अपने पुराने म्यूजिक के लिए उसके लिए आए, पुराने म्यूजिक के लिए और अपनी चेन्स वेन्स वैसी जिसके लिए, उसके लिए तो कोई उनके क्रेडिट पे नहीं है। तो जब शो खत्म हुआ तो मैं जाने लगी, मुझे बात भी नहीं करनी थी उनसे, हट बप्पी, तो इट वाज लाइक एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ओह माय गॉड, आई मेक मूवी, यू कम इन माय मूवी, मैं कहा सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओह माय गॉड, इस फेस के साथ बिल्कुल, इस फेस मैं थी ऐसी, मैं बहुत बेहतर होगी, असफर को पता है, असफर को क्यों पता है, असफर मुझे बहुत पुराना जानते हैं, माय फ्रेंड असफर, सबको इतना पुराना, किसी नए बंदे को नहीं जानते, नए को भी जानती हूँ लेकिन पुरानों को ज्यादा अच्छा जानती हूँ। अच्छा, माहौल अब बहुत सीरियस हो रहा है, इसको जल्दी से मसाला डाल देते हैं। हाँ। तो अब ऐसा करते हैं कि मैं तो कभी दर्जी बनता रहा हूँ, मैं दर्जी बनता रहा हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है दर्जी बनने में, आप दर्जी बने और मैं आंटी, बल्कि आप आंटी बने, मैं दर्जी बनता हूँ, अच्छा बन लेता हूँ, लुक भी दर्जियों वाली, मैं यूं वो इंच टेप डाला हूं। ये क्या है, लेकिन ये हो क्या रहा है, दर्जी की दुकान पे आप टिक्का, चिकन टिक्का लेने आई हैं? सेगमेंट क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा रिफ्रेश हो जाए हमको। अच्छा, ये सेगमेंट है, और मेरी एक्टिंग स्किल्स आप देख लें कि मुझे बहुत अच्छा काम ये हर कोई करता है यहाँ के, मुस्तफा कमाल से तो मैंने भाई क्या करवाया, उनको मैंने अपनी फुप्पा बना ली, नहीं नहीं, और मैं उनसे फुप्पा से जान छुड़ाने की स्कीम मैंने उनको बताई कि ये करें तो फुप्पा से जान छूट सकते, और उन्होंने किया मेरे लिए भी दर्जी वाला। तो आप बताएं आपको क्या करना है, कोई 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 ख्याल? मैं काम करता हूँ, मैं पता क्या बनूं, मैं वो नहीं होता है रात को जिसने कफ सिरप की पूरी बोतल पी,
आप बोले टू ने आप कफ सिरप या विस्की पी लिया आपने? मैंने कितने डॉली डार्लिंग के एपिसोड में भी किया था, मुझे लगता है कि मैं कफ सिरप पी लिया, मैंने उसमें दो बोतलें पी ली ना, कफ सिरप का एड बन रहा था, समझ गया हूं मैं। फिर आप कौन हो? मैं असल में बचपन में कैरेक्टर करता था शाजिया के नाम से, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं शाजिया बन जाता हूँ, मैं और मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करूँ शाजिया के साथ। बहुत खतरनाक औरत है ये, तेज तर्रार, रहती कस्बा कॉलोनी में मगर है फेमिनिस्ट। आप उसको एरिया के साथ जज नहीं कर सकते। नहीं, और मैं कल कोई यहाँ लड़की हमारे शोबिज में ये करेगी भी नहीं जो मैं करने जा रही हूँ। ये तो वेरी गुड वेरी गुड। आप मुझसे फ्लर्ट करें। क्रॉस कर रहा है तुम्हारा विजन एक दूसरे को। नहीं तो मैं तुम्हें जब देख रहा हूँ, तुम सामने मेरा खड़ी होती प्यारी हॉट गर्ल। साया है, साया है वो मेरा बेवकूफ। इधर देखो हसीन, और मैं तुम्हें फील तो करूँ ना जाने मन। हाँ, ये लो मेरा हाथ पकड़ लो। सामने है भी या नहीं भी है? अरे तुम कर क्या पाओगे, तुमसे वो पूछेंगे काजी साहब आपको कबूल है, तुम तो बोलोगे बोतल कहाँ है। तुम मेरे साथ ना बगल खाने चलोगी? तुम्हारे साथ मैं जाऊंगी, जहाँ भी जाऊंगी पागल खाना लगेगा। मैं तुम ना मेरे बगल खाना चलो, सीढ़ियों चलाम समंदर में जाएंगे। मैं नहीं मुकाबला कर पाऊंगा। जॉनी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बहन ये बताओ, इनमें से कौन सी अदाकारा ऐसी है जो तुम्हारी बुराइयां करती होगी? नाम दूंगा, शाइस्ता, सनम बलोच, हिरामानी, सब बुराइयां करती होंगी। करती होंगी, क्यों नहीं, लड़कियां बुराइयां करती हैं। आपने नहीं किया, आपने लड़के नहीं पूछा, आपने कहा लड़कियां। हाँ तो ये बुराइयां करती होंगी, लड़कियां सब करती हैं, ये हमारे नेचर में ये तुम्हारा फिर मुझे काम मिलेगा, जिंदगी में कुछ बनो करो, कॉपी करके बताओ, आके टेढ़ी करो, ये बिल्कुल सही, अब उसे करो। सबकी कोई अनोइंग हैबिट होती है, किसी की कुछ होती है, कोई 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 पेट वर्ड होता है किसी का, कोई पेट्स, पेट तो आप रखती है, पेट वर्ड होता है ना, कोई क्या कहने हैं इस तरह कोई बोल देता है बार बार, या क्या मतलब है, इस तरह के पेट वर्ड हो जाते हैं, या कोई बैड हैबिट होती है, कोई बंदा करता रहता है, कोई नहीं पिलाता रहता है, लगता है मैं ऐसे कुछ कर रहा हूं, करती हूं, होती होगी जो आप नहीं पता, सिगरेट पीता है कोई, कुछ हालिया खाता है, गुटखा खाता है, होती इंसान है आप नहीं है। नहीं, मेरे कुछ वर्ड होते हैं जो वर्ड ऑफ द सीजन होता है, वो कुछ दिन बोलती हूँ फिर मैं, लेकिन कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो मैं बचपन से आज तक बोलती हूँ, इसलिए कि लोग कह रहे हैं इस तरह कह के मेरी पैरोडी नहीं कर सकते, बिकॉज कोई एक वर्ड नहीं है जो मैंने बार बार बोला। मैं थोड़ा सा बोलती हूँ और उसके बाद दो महीने बाद आई एम ऑफ। आजकल मेरा फेवरेट वर्ड है कोऑपरेट, अब हर चीज में आ रहा है। हाँ, मतलब किन्नू है आके वो डॉगी को पकड़ता है तो मैं कहती हूँ कम ऑन कुजी, कोऑपरेट कोऑपरेट। अच्छा, आपको मैंने सुना है कि पेट रखने का बहुत शौक है, हैं डॉगीज रखती हैं, तो अभी कौन से हैं आपके पास? मेरे पास तीन डॉगी जो जिन्होंने बड़ा एयर ट्रैवल किया मेरे साथ। अच्छा जी हाँ, जहाज में जा रहे हैं, इतना खर्चा किया है और मेरे बच्चों की तरह। अभी जब मैं इस दफा कराची आई दुबई से अबाउट अ ईयर बैक, बच्चों की तरह वो भी स्लाइड पे पत्थर रख के नीचे गिर जाते हैं, बहुत क्यूट है वो, बहुत। मैं खुद उनके बाल काटती हूँ, वॉश करना, ब्लो ड्राई करना, उनको कपड़े भी कभी कभी, पोनियां बनाना, सारा मैं उनको। और मेरे साथ दो तो मतलब ऐसे हैं कि वो मेरे साथ सो रहे होते हैं, मैं कहीं उस कमरे में छोड़ाऊंगी जब मैं थोड़ा उठूंगी तो यहाँ उसका ना मुंह लगा होता है कोको का मेरे। और मैं उसको कहती ही हूँ कि भाई कोको मेरी बेटी, वो मेरे दो पूडल्स बट दे डाइड इन कराची विद इन 2 months टाइम। तो अब दोबारा दूसरे नए, मेरा वो कुजी रह गया है जो सबसे इनमें से बुजुर्ग है, 13 साल का, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मैं वही, मैं बड़ी परेशान थी इनको क्या हुआ भी, मैंने कहा देखो कुजी है, उसका नहीं टाइम आया, वो सड़क पे भाग जाता है कराची में और बच जाता, मोबाइल चोरी कर ले उसका, मसला बच जाता है, हर दफा गाड़ियां यूं ही करके उसको बचाती है, बड़ी ट्रेजेडी। अफसोस से कह रही हूँ, हर बार बच जाता है, जैसा इसी मकसद से आप बाहर भेज रही हूँ उसे। नहीं, मैं कहती हूँ कि देखो कभी तो चूकेगा, वो इतनी छोटी सी बात पे बेचारी मर गई, और ये छोटी सी बात पे दिल टूट गया, छोटी पे नहीं मतलब थोड़ी सी, मतलब आगे चलो। काम करते हैं शो बिजनेस, हर किसी कोई ना कोई इंस्पिरेशन है, जैसे मैंने बताया मेरी इंस्पिरेशन मथीरा है, मैं उनको देख कर, भाई मेरी मर्जी, मेरी इंस्पिरेशन है मथीरा, मैं उनको देख कर होस्टिंग में आया। तो आपकी कौन सी इंस्पिरेशन?
किसी को देख के होस्टिंग में कोई इंस्पिरेशन कोई नहीं, मैंने जब 90s में किया कोई इंस्पिरेशन कोई होस्टिंग या सच कुछ ऐसा हो नहीं रहा था खवातीन में किसी को इंस्पायर हो किसी से हम तो नहीं एक्टिंग में भी किसी से उस वक्त इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट काम कर रही थी वो उनमें से किसी को आपने नहीं एक्टर्स में ये थी मरीना खान थी समीना पीरज़ादा थी नहीं लेकिन मुझे सीरियस सलीम बदर थी नहीं सीरियस एक्टिंग ना मुझे उतना पसंद थी और ना मैं इनको फॉलो करती थी इतना ज्यादा मेरे लिए जेदी साहब मोइन अख्तर मैं ये इन लोगों को मैं कॉपी करती थी जेदी साहब के तो मैंने जो स्केट्स और ड्रामा थे मुझे रट्टे होते थे मेरे पास उनका नहीं नहीं अभी तो नहीं मेरा कोट नहीं है ना अच्छा वो मैंने कोट एक रखा हुआ था वैसी ग्लासेस रखी थी बकायदा थी और उस वक्त क्या होता था हाय अब तो ऐसे नहीं होते लेकिन जब कोई घर में मेहमान आते थे ना तो एक आइटम पेश करना होता था इतना तकलीफ आइटम जब अब घर में मेहमान वो आना ही जारी बात है अब्बा की आवाज आती बेटा नादिया को बुलाओ नादिया छुप रही है ना कोने में इधर उधर बेटा आओ जरा तो हाँ वो जेदी वाला वो आइटम करो भाई कहाँ मैं दिनवा मैं कब आएंगे सावरिया अब वो अंकल बैठे हैं सीरियस अब उनको हंसी भी नहीं आ रही वो भी तो होता है इतने भी नहीं थे ना मेहमान एक होता ना मजेदार सीरियस सीरियस अंकल गुड वेरी गुड हाँ तो फिर हम क्या कह रहे हैं और उनके सामने बेटा कोट पहन के दिखाओ ना पके तो अम्मी के हाँ बेटा वो तो मेरी परफॉर्मेंस होती थी हर जगह I've been through that मुझे ही पता ही इससे क्या होता है हमें मुझे नहीं पता था एक्चुअली फिर से मैंने एक बार डांस किया फर्स्ट टाइम वाह अरे भाई बहुत ही पटांग गाना था तू तक तूतियां आई लव हां मुझे पता है वो गाना अच्छा मैंने किया लोग तालियां बजा रहे ना मेरी सारी कजन ऐसा गाना ही है वो एक्चुअली वो हंस रहे थे सब लेकिन दैट्स फाइन नहीं क्या एंटरटेन तो हो रहे थे क्या पागल क्या उसके बाद म्यूजिक एकदम चेंज हुआ गलती से लग गया वन वे टिकट मैं उसका भी शुरू हो गई ना गगरा तो सब हंसते थे बट आई डिडंट केयर मैं उस वक्त ठीक था लेकिन घर में आके मेहमानों के सामने आप ये बहुत ऑफ सीन है अच्छा फिर शादी हुई अब शादी पे आई एम 21-22 तो मैं फंसाती थी अपने फादर इन लॉ को बहुत सारे अपने ऐसे स्किट्स वगैरह दिखा रही हूँ वहां भी यही शुरू बेटा बुलाना ना दिखाओ बेटा वो पता ना वो सुविधा आगे वाली कहानी वो पीटीवी पे ट्रैक्टर की कैसे करते हैं मरम्मत बताओ उधर फिर वो शादी के बाद बहू बैठी भी बता रही है हाँ वो और वहाँ उससे भी ज्यादा वो जो मेहमान है सड़े हुए उनके सामने वो ये सुई है ये धागा है ऐसे धागा डालते हैं 21 साल की उम्र में आप ये लोग करके दिखा रही हैं मैं मेरा भी सोचा ऐसे होते हैं बोला चल भाई निकल यहाँ से बहुत हो गया नहीं नहीं पेमेंट मिल नहीं रही एक्टिंग करे जा रही है नहीं वो इतने मेरे फादर इन लॉ इज सच अ स्वीट हार्ट मेरे उनको मेरी बातों पे बहुत हंसी आती थी और किसी को नहीं आती अच्छा ये बताएं कि अगर फेमस ना होती क्या होती मैं फिर भी फेमस होती ऐसा क्या करने वाली थी हमारी कुछ भी करती ना मैं अगर मेरे टीचर्स कुछ अच्छे होते तो मैं बहुत पढ़ती आगे टीचर अच्छे नहीं थे तौबा क्या करते थे ऐसा मारते थे नहीं कुछ क्लास से निकाल देते थे मेरा स्कूल शुरू ही होता था कंपटीशन टीचर आती थी गेट आउट आते ही हाँ सवाल जवाब भी नहीं नहीं बाहर ये क्या बात हुई बस भाई इसमें कोई कहानियां बता नहीं रही है टीचर ऐसा कभी हुआ है टीचर आई तुम बाहर मैं क्लास में हूं बाहर नंबर फिर भी नंबर आ रहे वाह उस पे उनको और चिढ़ नहीं मेरे बाहर अब क्लास से बाहर खड़ी तो फारिग तो भी खड़ी रहती हूं भाई बाहर खड़ी लड़के आ रहे हैं नादिया ये रख लो नहीं नहीं मेरा बिल्कुल मैं ऑनेस्टली जितना मेरा स्कूल कॉलेज टाइम गुजरा है नेवर बॉयफ्रेंड बातें मुझे जरा इंटरेस्ट नहीं था मेरे पूरे शहर वाले रावलपिंडी में किसी से पूछ किसी से पूछो इधर आना शफी हाँ तो ये नादिया खान जो लोग इन चक्रों में पड़ जाते ना फिर वो कुछ आगे बच्चे कर नहीं सकते कोई स्कूल में तो आने बता दिया किसी टीचर ने आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ा मगर लाइफ में कोई गुरु वगैरह नहीं एक टीचर थी हाँ। एक टीचर नहीं जिंदगी बदली उनका नाम लेते हैं मिस अमरीन वो क्या पढ़ाती मुझे इंग्लिश की टीचर लग रही है नहीं साइंस साइंस पढ़ाती हाँ। उन्होंने आपकी कैसे कोई केमिकल डाल दिया आपके यार वो पहली टीचर मैंने जिंदगी में देखी जो मुस्कुरा के बात कर रही है हमारी बहुत खरूस टीचर थी बहुत बुरी टीचर आप एपीएस में नहीं मैं नाम नहीं बताती लेकिन था वही स्कूल उस तरह नहीं एपीएस में नहीं थी मैं किसी और स्कूल में थी लेकिन स्ट्रिक्ट था तो वो टीचर सुबह थी ना गुड मॉर्निंग वो वाली थी आउट ऑफ द लाइन मेरा कभी लाइनर लगा हुआ बाल नहीं मैं अच्छा मैं स्टाइलिश बहुत थी ये तो है जूते कभी मेरे भी गलती थी भाई जूते कभी सही नहीं पहने यूनिफॉर्म के क्यों व्हाइट सॉक्स पहनू क्यों नहीं पहननी इससे मेरी पढ़ाई का क्या ताल मुझे उस वक्त होता था बैक इन 90s मैम मेरी पढ़ाई का मेरे ग्रीन आईलाइनर से क्या ताल्लुक है क्या मसला है मैंने अच्छा एक फिजिक्स का टीचर फेल कर दिया गई मैंने कहा सर मैंने छापा है बकायदा रट के आप मुझे कैसे फेल कर सकते अभी तो मैं रट के आई हूँ कहते मुझे आपके बाल पसंद नहीं है अरे
क्या मतलब ये हाईलाइट, अच्छी लड़कियाँ हाईलाइट नहीं कराती। अच्छी लड़कियाँ तो अच्छी लड़कियाँ क्या कराती हैं? मैं अगले दिन जाके और हाईलाइट करा ली। मैं क्या मतलब, सही बात। अगले दिन गई फिर वो सर खड़े, मैंने कहा सर ने हाँ आप दे देता हूँ नंबर। इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनको आप एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए? ये मत पूछो। अच्छा, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको एक्टिंग करनी ही नहीं चाहिए? करनी ही नहीं चाहिए, सब जूनियर है, आपको कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। उर्वा हुकेन, हुसैन कुकेन, क्या है उर्वा? दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ, आयशा, उमर। इतनी गंदी राइटिंग है जिसमें ये सवाल लिख के दिए ना, ये वाला सवाल भी हाथ से लिख के दिए। अरमीना, राना खान, जो भी नाम है ये, और इमरान खान। और बॉलीवुड में एक्टर है ना वो इमरान खान। अच्छा, आप ये चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, हमारे लीडर की बात कर रहे हैं। आप भी मेरे लीडर की बात कर लें, कहते हैं एक पत्ती इधर एक पत्ती इधर। मैं तो नहीं माइंड करूंगा, हम तो खुले दिल वाले, हमें पता है हमारा लीडर कैसे है। ये कौन है भाई? नहीं बहुत बदतमीज है भाई, हमने तो रहने कराती में सुकून से, इनविजिबल प्लीज नो कमेंट्स। अच्छा, तो किनको छोड़ देनी चाहिए, कौन है जो जरूरी? एक्टिंग आती हो तो काम मिलेगा। अच्छा, यानी कि क्या आता हो फिर इसका, उससे क्या ताल्लुक है कि ड्रामे कर रहे हैं तो एक्टिंग आनी चाहिए आजकल? वेरी नाइस। तो क्या सोशल मीडिया पे फेमस होना चाहिए? सोशल मीडिया पे फेमस, आपकी लाइकिंग होनी चाहिए, आपके मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हो, और आपके पास कोई, आप अच्छे फॉलोअर्स खरीदें, बहुत सारे खरीदें, और आप ये कि आप एक कंपनी को मंथली पैसे दें कि आपकी पिक्चर्स नजर आएं और आप नजर नोट्स बना लूं भाई, मुझे भी करना है, पैसे दो। ये क्राइटेरिया, एक्टिंग की क्या जरूरत है, एक्टिंग का क्या मतलब है, एक्टिंग क्यों आए? तो मैं किस किस को कहूँ के छोड़ दे एक्टिंग? भाई मैं काम करता हूँ, तीनों को, चारों को लिख देता हूँ छोड़ो। अजीब सा पेडेंटिक सा सवाल है, हर मॉर्निंग शो में ये सवाल पूछा था, प्यार क्या है आपके लिए? प्यार उसी तरह पूछूंगा, उसी तरह पूछूंगा, जरा साहिल लोधी टच आ जाए। साहिल, प्यार क्या है? प्यार अभी होना है, अभी भी होना है, उस वाले की बात करो। अच्छा, वो अभी भी होना है। हाँ, टिका के प्यार एक होना है, ठीक है। हाँ, टिका के होना है मतलब, हाँ, मैसेज करेंगे जाग गए बेबी। नहीं, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं अभी बहुत बिजी हूँ ना, जरा ठीक है, फारिग हो जाए लाइफ में ना, मैं बड़े चलती हूँ सिस्टमैटिकली, ये टाइम है, ये काम का टाइम है, ये भी बच्चों का टाइम है, ये इंशाल्लाह। या एक नंबर वन चैनल है पाकिस्तान, उस पे आपने गेम शो किया, करोड़ों रुपए आप यूं करके बांट रही थी, यूं करके, किसी को मिला वो करोड़ रुपया? मैंने नहीं देखा। आपने देखा नहीं? क्या, क्यों छोड़ दिया आपने? क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। क्या एक करोड़ रुपया ये मिलते हुए देते ही नहीं है वो? मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं बस कुछ, इसलिए मैंने कहा जो नजर नहीं आ रहा उसके बारे में बोलूं क्यों? शक की निगाह से बासित हैशटैग करो, मशकूक हरकतें हैं नंबर वन चैनल। अच्छा, आपके तो पैसे मिले ना? या आपके मिल गए बस, ये भी मुझे सब यही कहते। मैंने लाइफ में बहुत पैसे को, चीजों को मना किया जो लोगों की समझ में नहीं आता। मुझे बड़े बड़े एक्टर्स ने कहा Are you fool? कौन है वो बड़े एक्टर जिन्होंने आपको कहा? और उन्होंने फूल, क्योंकि वो फूल्स हैं सबसे बड़े, खुद बड़े बड़े एक्टर्स को फूल्स कहा नादिया ने। वो हैं और वो आपको नजर आए, आप उनको जब देखेंगे ना हरकतें करते हुए आप कहेंगे सही कह रही। कोई हिंट्स तो दें, कौन? तौबा करो, हिंट दिए आमिर लियाकत के ऊपर। इंस्टाग्राम 7 लाख से अबव आपके सब्सक्राइबर्स हैं, मैंने आज ही देखा। खरीदे नहीं ना, ये चक्कर है। 7 लाख भी बहुत होते हैं भाई। नहीं, अगर खरीदती तो इलेक्शन लड़ने इंस्टाग्राम पे यार, नहीं 4-5 मिलियन कोई मसला नहीं। अभी कराता हूँ, अभी कराता हूँ। तो आउट स्टाइल, उसमें क्या, उसका मकसद क्या है? तब कुछ शुरू किया जाए जब किसी और को पता ही नहीं उसके बारे में। मुझे शौक है, दुबई में रह के मुझे था कि भाई ये करूं, पाकिस्तान में नया होगा। स्मगलिंग नहीं, दुबई में रह के अक्सर लोगों को स्मगलिंग, ब्रांडेड चीजें, मेकअप, इनके बारे में बताऊं, 2 नंबर मेकअप, थाईलैंड का उटपटांग सामान आ रहा है, लोगों की स्किन खराब हो रही है। और ये कि जो मेकअप के शौकीन है उनको प्रोडक्ट से बने पता हो, बेशक इस्तेमाल ना करें, लेकिन 4 लोगों के सामने बच्चियां बैठी है तो उनको पता हो फेंटी क्या है, नाम लेने का वो, चार्लोट टिलबरी कौन है, सफोरा क्या है, इसके सारे बॉबी ब्राउन कौन है, इस तरह पता हो। तो मुझे ये था कि इनको एजुकेट करूं बच्चियों, ठीक है, ताकि उनको, ताकि ये अपने अब्बा और अपने मियाओं की जिंदगी आजाद कर दें। नहीं, और उनको 2 नंबर मेकअप और असली मेकअप में फर्क बताऊं, कितना नहीं लेना, एक चीज लेनी है, असली लेनी। एक शो मुझे एक 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 बात मुझे जो पूछनी है पर्सनल, मेरी वाइफ ने मुझे लिख कर दिया था, ये जरूर पूछना, वो मीरा के साथ क्या हुआ था?
कब आपके मॉर्निंग शो में कितनी दफा हुआ है किसकी बात कर वो जो उन्होंने नूर के हाथ बार छील दिए थे और भी बहुत सारी बातें हैं सिर्फ वही याद है उससे बड़ी है कोई उससे बड़ा वाला आइटम है तो वो पेश करें अरे था दुबई आई थी तो वॉशरूम गई है ब्लू साड़ी पहनी बड़ी प्यारी और वो साथ में वो भी थे नवीद भाई वो भी वॉशरूम जा रहे हैं जा रहे हैं और ये ना शो शुरू होने लगा तो उससे पहले कहती मैं बेहोश हो गई हूँ ये बाथरूम में खुद ही बता रही मैं बेहोश हो गई अच्छा जो भी शो तो करना पड़ेगा yes. तो उनको मैंने कहा जगाओ ले आओ लाशा तो नवीद ने भी काफी कोऑपरेट किया अब वो शो कर रही है बार बार उधर देख रही है मतलब मैं आपके साथ बैठी हूँ कोई नहीं है इस तरह और मैं बार बार उधर देखू अरे मैं डर गई ना मैं थोड़ी देर इसको कुछ नजर आ रहा है जो मुझे नजर नहीं आ नवीद नजर आ रहे नहीं वो भी दूसरी साइड पे थे अच्छा वो थे कैप्टन नवीद हाँ वो थे हाँ वो तो आते रहते थे दुबई में उनका जब शो होता था गुड फ्रेंड्स दे आर मोर देन गुड फ्रेंड्स दे आर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स जब मेरा तो इंट्रोडक्शन फ्रेंड का कराया था लेकिन हमारा जो इंट्रोडक्शन है आवाम का वो फ्रेंड वाला नहीं नादिया मुझे पता है ये मेरी फेवरेट एपिसोड बनने वाला है बहुत मजा आया आप बड़ा अच्छा किया और हमने हम शुरू में स्टार्ट हुए ठंडा 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 और फिर जो आप ओपी को पहुंच गया शो थैंक यू सो मच आप मेरे शो में आई मेरे गरीब के शो में आई अल्लाह आपको इस शो में आने का सवाब दे तुम्हें मौका नहीं दिया मैं तो डांस बहुत अच्छा करती हूँ गाना बहुत ढोलकी अच्छी बजाती हूँ ये फैसलाबाद का शो नहीं है ढोलकी मटका कॉन्गो डफली मटके वो जो शादियों पे हमने बहुत ढोलकियां बजाई हैं अच्छा मतलब हर तरह का मतलब मना कर दिया ये मना अब मैं कहती हूँ इतनी बड़ी हो गई हूँ अब मैं अवार्ड शो पे डांस करूंगी मुझे कोई नहीं रोकेगा आप मुझे एक मौका दें मतलब आपके लिए तो जो भी एक्सपीरियंस है मेरा शौक पूरा हो जाए डांस का मौका तो मिलना चाहिए अरे मुझे हमारी सकाफत के तहत डांस रिवायती रक्स पेश लेकिन बताओ मेरे साथ कौन सा मेल एक्टर होना चाहिए परफॉर्म आपके शब्बीर जान अच्छे लगे व्हाई नॉट कुछ कह नहीं पाई आप नहीं वो डांस की वैसे उतना कमाल एक्टर है कर लेंगे सनी डेओल भी तो करते हैं नहीं डांस में टक्कर का चाहिए कोई क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो रोमांटिक सीन करो हीरोइन को छींक आ जाए बड़ी मुझे लेकिन बताओ कौन सा एक्टर जो अच्छा डांस करते हैं मुझे उनके साथ अवार्ड फंक्शन पे डांस करना चाहिए मैं किसी शो पे टीवी पे बोल नहीं सकती आज खुल के बोल रही हूँ हुमायूं सईद के साथ बहुत अच्छी लगेंगी डांस करना अच्छी लगेंगी है ना एजाज असलम फैसल कुरैशी इन सबके साथ आप अच्छी लगेंगी फैसल कुरैशी के साथ मत करिएगा क्यों वो कभी भी सिंगल हो जाती वो एकदम सिंगल बंदा मतलब ये नहीं होता कि आपका कोई वो है रिलेशनशिप स्टेटस सिंगल एक माहौल होता है अच्छा माहौल होता है सिंगल बंदा कैफियत होती है कैफियत होती है अचानक आज सिंगल वाली कैफियत चल रही पहली कॉन्ट्रोवर्शियल बात की आज हैशटैग करके ना वो हंसी इस बात ही इज वेरी हैप्पीली सेटल्ड माशाल्लाह ना दिया थैंक यू सो मच आप मेरे शो में आई आपने शो को वो बख्शी वो इज्जत आपको मुझ जैसे गरीब आर्टिस्ट के शो में आने का सवाब मिलेगा इंशाल्लाह और तीनों को मैं कहूंगा भैया पत्थरों के अलावा भी कुछ स्लाइडों पे रखो है अजान को मैं कहूंगा बेटा तू मैकेनिक बन जाएगा तू शुगर का गाड़ी ठीक कर लेता है आईटी सॉरी आईटी तू हैकिंग कर मीरा का अकाउंट हैक कर और चेक कर भाई सही कर रही है एक्टिंग कर रही है अलीजे जो है अलीजे अलीजे तो मेरा केस लड़ोगी जो मेरे शो के बाद होगा मुझको मैं तीनों को दुआएं दे दी थैंक यू सो मच नादिया आपने आई और आपने मुझे बड़ा कंफर्टेबल फील कराया थैंक यू सो मच बाय बाय Thank you.